हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। और मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। व्लॉग बने हुए हैं लेकिन मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, और कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रूटीन कुछ अजीब हुई हुई है। तो इतने दिनों से ना व्लॉग बना हुआ था, फाइनली आज मैं एडिट कर रही हूँ और डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना आप ही आई हुई थी ना, मैंने आपको पहले भी लास्ट व्लॉग में बताया था कि आप ही की बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो वो घूमने आई हुई हैं। तो उनको दिखाना था डॉक्टर को, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं उनको लेके गई डॉक्टर के पास। तो ये ना हैदराबाद की ठंडी सड़क है, आगे सिंध म्यूज़ियम होगा और उसके बाद शायद वापडा ऑफिस है वो होगी, और उसके बाद न्याज स्टेडियम है, आई थिंक से मैंने सही बोला है, न्याज स्टेडियम। तो मैंने उनको डॉक्टर के पास लेके गई, और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम मार्केट गए, हमें यहीं पे पास में छोटी सी मार्केट है उसमें गए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन का टाइम था, तो आप ही की तबीयत ख़राब हो गई। और जो लास्ट में जो हुआ है ना, वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ व्लॉग में क्या हुआ था, शॉपिंग करते करते हम कहाँ पहुँच गए। तो अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह हर किसी की हिफाज़त करे, हर किसी को सेहत दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अपनी पनाह में रखे। बस जब पता ही नहीं चलता कि इंसान के वक्त इंसान के लाइफ में ना कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो अपनी दिल नियत हर चीज़ साफ़ रखनी चाहिए, कुछ पता नहीं होता इंसान के साथ कब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास पहुँच चुकी थी, और मैंने अपने दुपट्टे भी उठाए थे ईद के ड्रेसेस के मैं उनको लास्ट में जाते वक्त ना पीको भी करवा लूँगी। और यहाँ पे मैं डॉक्टर का वेट कर रहे थे हम, शुक्र है कि सुबह का टाइम था तो डॉक्टर के पास रश नहीं था। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, क्लिनिक है इनकी, तो सुबह में भी बैठते हैं शाम में भी बैठते हैं, तो हम दिखाते हैं सिर्फ इन्हीं को ही हैं। और यहाँ पे मैंने आप ही को दिखा के फिर वापस जाने लगी थी। ये न्याज स्टेडियम में बीच से रास्ता जाता है, तो ये यहाँ से मैं आप ही को लेके फिर बाज़ार आ गई थी। तो मेरे सूट के दुपट्टे थे, तीन सूट थे मैंने ईद के बनवाए हुए थे, तीन सूट थे, और एक मैंने और भी सूट बनवा लिया। ये तीन सूट थे जिनके दुपट्टे थे मैं यहाँ पे पीको के लिए दे रही थी। और देखे फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, वहाँ पे कपड़े लेने थे, मुझे भी एक सूट लेना था अपने लिए, घर के पहनने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना क्या हुआ कि आपी का बीपी लो हो गया और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं ले पाई। खैर, इंसान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती, और बस नहीं लिया, बस दुपट्टे वगैरह पिको करो। हैप्पी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनका बीपी भी लो हो गया, फिर मैंने भाई को कॉल की, भाई भी आ गया, फिर हम उनको यहाँ पे पास में हॉस्पिटल थी वहाँ पे लेके गए, ड्रिप वगैरह चढ़ी। मज़े की बात ये है कि डॉक्टर ने उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी नॉर्मल था, हालांकि उनको वही मतलब तकलीफ हुई थी जिससे समझ में आया कि बीपी लो हो गया है। जब उनका बीपी और शुगर चेक की तो दोनों नॉर्मल थी, मतलब कि गर्मी लग गई थी शायद, तो इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पे आप ही अपनी बेटी के लिए पोनिया वगैरह देख रही थी, और उनकी बेटी है छोटी, तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे मेकअप वगैरह लेके दो। तो ये मैंने आई शेडो पैलेट्स निकलवाए थे, उसको दिखा रही थी कि कौन से लेने, तो उसने एक इसमें से पसंद कर लिया और ले लिया। बच्चे हैं, लगाते हैं ज़ाया करते हैं, वो रोज़ न्यू चीज़ें लेती है फिर लगाती है फिर ज़ाया कर देती है, तो इनकी एज है, मज़े करें। वो यहाँ पे ना मेरा एक सूट है जो मैंने हैंडमेड बनवाया था, बलोची ड्रेस मैंने बनवाया है बलोचिस्तान से, तो उसके लिए ना मुझे दुपट्टा लेना था जो मैंने अंदर जाके मैच किया है। और यहाँ पे मैंने दुपट्टा लिया भी, शॉपिंग वगैरह की भी, एक दो सूट लिए आप ही की बेटी के लिए, और आप ही यहाँ पे साइड में बैठी हुई थी, बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये देखिए उनकी तबीयत ख़राब हुई, शॉपिंग करते करते हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। वो ना बहुत बुरा दिन था, अल्लाह किसी को ना दिखाए। सुबह के 11 बजे हम निकले हुए थे, शाम को मैं 5 बजे घर आई थी, तो 3-4 घंटे हॉस्पिटल में लग गए। आप ही को ड्रिप वगैरह चढ़ी, डॉक्टर ने चेकअप किए, 3-4 बार चेकअप किए कि हुआ क्या है, मसला क्या है। तो मेरे ख्याल से उनको गर्मी लग गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में। रिलेट करते होंगे हैदराबाद वाले लोग जो मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो हद से ज़्यादा गर्मी है।
और फिर रात को ना हम सब ने सोचा कि आप ही की ना ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि क्या पता ब्लड कम हो जाता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो हमारी फैमिली में है, मेरा, मेरी बड़ी बहन का, मेरी छोटी सेकंड नंबर बहन का, हम सब का ब्लड कम हो जाता है। तो मेरा तो काफ़ी मतलब 5-6 बार हो चुका है ऐसा। अभी लास्ट मैंने कभी 6 महीने पहले मैंने टेस्ट करवाया था तो कुछ मेरा बेहतर था। तो यहाँ पे मैं आप ही को लेके आई थी लैब, और यहाँ पे आप ही का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। उनका ब्लड सही है, इतना नॉर्मल, मतलब 3 पॉइंट कम है, फिर भी मतलब इंसान को तकलीफ़ हो जाती है। तो ये ना ईद से पहले बनाए हुए कुछ व्लॉग था जो मैं लगा रही हूँ, देख लेना आप सब। बस आप ही के टेस्ट करवाते हैं और फिर घर चली जाऊँगी मैं। तो मिलूँगी नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।